आज इस वीडियो अपडेट में जानने वाले हैं पटना गया रेलखंड पर एक ट्रेन में हुए बड़े हादसे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। आपको बता दें कि बिहार में पटना गया रेलखंड के अलावे मालदा डिवीजन के अंतर्गत चलने वाली कई लोकल ट्रेनों का परिचालन अब भी जारी है। रेलवे का मानना है कि लगातार उन ट्रेनों का परिचालन देखने को मिलेगा जिनमें कि पैसेंजरों की कमी नहीं होगी। इसके अलावे बिहार के कई रेलवे स्टेशन से नई ट्रेनें भी चलाई जा रही है, उनका अपडेट हम लगातार लाने ही वाले हैं और ला भी रहे हैं। उन सभी नई ट्रेनों का अपडेट अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके सभी राज्यों के लिए नई ट्रेनों का अपडेट देख सकते हैं। तो चलिए आज का अपडेट को शुरू करते हैं। बात करें पटना गया रेलखंड पर इस हादसे के बारे में, तो पटना गया रेलखंड पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। चलती ट्रेन पर एक पेड़ तेज आंधी तूफान के कारण गिर गया। ड्राइवर की समझदारी यहां पर देखी गई क्योंकि ड्राइवर ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को तो रोक दी और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी क्षतिग्रस्त यहां पर होने की खबर मिल रही है। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की है, जहां पर जहानाबाद रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन पटना के लिए खुली ही थी कि आंधी तूफान के कारण साथ बारिश होने लगी। ट्रेन जैसे ही गांव के पास पहुंची, एक पेड़ उखड़कर चलती ट्रेन पर गिर गया और इस घटना में जान माल की क्षति नहीं हुई। पेड़ गिरने की वजह से डाउन लाइन का परिचालन 2 घंटे तक बाधित रहा और घटना की सूचना जैसे ही मिली, रेलवे की टीम पेड़ को काटकर वहां से अलग किया, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सका। मौके पर रेलवे ट्रैक ठीक करने के लिए अन्य बड़े अधिकारी भी पहुंचे और ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, जिस कारण कोई हताहत की खबर भी नहीं निकल के सामने आई। अगर वही बात करें कि आखिर यह कौन सी ट्रेन थी, तो आपको बता दें कि पटना गया रेलखंड पर चलने वाली यह एक पैसेंजर ट्रेन थी, इसमें लोकल यात्री सफर कर रहे थे। ट्रेन नंबर 03270 के साथ यह ट्रेन जा रही थी और उसी वक्त यह बड़ा घटना होते होते रह गया। तेज आंधी तूफान के बाद जब ट्रेन चल रही थी इस रेलवे ट्रैक होकर, तब पेड़ अचानक ट्रेन के ऊपर गिरी। अगर ट्रेन के सामने गिरती तो हादसा कुछ बड़ा भी हो सकता था। तो ये था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आने वाली नई ट्रेनों का अपडेट आपको मिलता रहेगा।